कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया वो सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज भी कोरोना संकट का दौर तो है लेकिन स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है पहले से, लेकिन अभी इसी दौर में राजनीति भी जारी है। दिल्ली सरकार की ओर से जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना साधा। सुबह से ही इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सामने आए और इस पर पलटवार भी किया और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी ओर से कई बातें कही। क्या कुछ रहा पूरे दिन, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर पर अब काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर जब चरम पर थी उस वक्त ऑक्सीजन को लेकर छिड़ा घमासान अब तक नहीं थमा है। दरअसल उस वक्त दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र पर बार बार ऑक्सीजन की कमी को पूरा न करने के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इसे दिल्ली सरकार की राजनीति करार दिया है। संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट पैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि उस वक्त केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड जरूरत से 4 गुना ज्यादा की थी। इसका आंकड़ा भी बीजेपी नेता की ओर से जारी किया गया और अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि उनकी ओर से बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए ऑक्सीजन पर राजनीति की गई। 7 मई को केजरीवाल जी ने उसको अपोज किया कि हम ऑक्सीजन ऑडिट नहीं चाहते। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट पैनल अपॉइंट कर दिया, जो जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। 9 मई को अपॉइंट हुआ ऑडिट पैनल। 13 मई को सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं, सरप्लस ऑक्सीजन दिल्ली के पास आ गई है, अब हमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ऑक्सीजन जहां है वहीं रुक जाओ। 24 जून को अर्थात कल ये रिपोर्ट सबमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बताया जाता है कि 4 गुना बढ़ा करके ऑक्सीजन सप्लाई बताया गया था दिल्ली का। कोरी राजनीति थी, ये सियासत था, ऑक्सीजन पे सियासत। ऑक्सीजन संकट को लेकर आई रिपोर्ट पर छिड़े पूरे घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे मैं रात भर जग कर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। वहीं बीजेपी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस रिपोर्ट को, जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। खैर, मसला जो भी हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर थी तो दिल्ली सरकार ने कई बार ऑक्सीजन की डिमांड की थी और कई बार ये भी कहा गया था कि उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन अब है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब राजनीति काफी चरम पर है। बयानबाजियों का दौर भी जारी है और आने वाले वक्त में भी लगता है कि जारी ही रहेगा। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें भीतर।